अपने पाव गरम हो रहे हैं बटर लगा के, इसके साथ इसको सेका जाएगा। अरे पार्टी यार, तो फिर अमल की भाई बारिश हो रही है एकदम बढ़िया से, और बारिश में खाने में मज़ा ही अलग है। बाकी सब लोग भी खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। फेक चिकन खाएंगे हम, रेशमी चिकन। देखिए जनाब, ये फिश करी की ग्रेवी है। इन्होंने सारी ग्रेवीज जो होती है ना वो 50% कुक करके रखी होती है। क्या बात है, मेरे को अभी भी याद आ गई उसकी, वो सनी लियोनी चाप याद है। वही क्यों याद आई, मतलब चलिए जनाब, आज बारी आई है चाट की, बीसी मलाई चाट की। हमारा पहला आउटलेट है मोहल्ला आपका सीरीज बेस्ट फूड हॉस्टल सीरीज सीरीज चाट बार। जी हाँ, इसके दो पार्ट हमारे, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में बहुत सारे आउटलेट हैं। तो पहले ट्राई करते हैं अपना बीसी मलाई चाट के कुछ आइटम, देखते हैं कि कुछ नया भी आया है या फिर कोई पुराना है। चलिए बनाते हैं इनके कुछ नया आइटम और टेस्ट करते हैं आपको। ऐसे चलिए, तो लीजिए जनाब, ये क्या बन रहा भैया हमारा? ये बन रहा हमारा रेशमी चिकन या रेशमी कबाब, रेशमी चिकन। ये रेशमी चिकन बन रहा है, मतलब कि है प्योर वेज। पहला आउटलेट हमारा, और आउटलेट की ये इस सीरीज की शुरुआत, इस एपिसोड की शुरुआत वीर जी मलाई चाप से बेटर और कुछ हो नहीं सकती थी। तो फेक चिकन खाएंगे हम, रेशमी चिकन। हाफ ही लगवाया क्योंकि अभी आगे जाके बहुत सारा फूड खा रहा है। और इसके साथ हमने बनाया हमने अपना वो फिश करी, ये देख भाई मज़ेदार, बहुत बढ़िया। ग्रेवी जो है ना, मतलब टेस्ट एकदम नॉन वेज का देता है, बट ये है प्योर वेज। अब कैसे होता है ये जादू, ये तो मुझे नहीं पता। इनके सीक्रेट मसाले हैं, इनकी सीक्रेट रेसिपीज़ है, जो कि किसी को आज तक कोई भी आज तक क्रैक नहीं कर पाया। और अगर आपको इस आउटलेट की फ्रेंचाइजी चाहिए ना, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डिटेल्स मांग सकते हो। तो आप तो 50 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी खुल चुकी है वीरजी मलाई चाप की, आउट ऑफ दिल्ली भी। क्या बात है, आप लगेगी भाई ओए मनमीत, क्या बात है मज़ेदार। ये लीजिए जनाब, ये हमारा हाफ पैक हो गया, खाएंगे भी। एक फ़िश करी भी लगा दो हाफ, दोनों एक साथ टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कैसे इसका टेस्ट। देखिए जनाब, ये फ़िश करी की ग्रेवी है। इन्होंने सारी ग्रेवीज जो होती है ना वो 50% कुक करके रखी होती है, ताकि ऑर्डर को ज़्यादा टाइम ना लगे। भीड़ बहुत है भाई, जोमेटो स्विगी हर जगह ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आप भी घर बैठे बैठे ऑर्डर लेना चाहते हो तो स्विगी और जोमेटो उठाओ और बढ़िया से ऑर्डर करो, और इस बारिश में मज़े लो बढ़िया खाने का। क्या बात है, मेरे को अभी भी याद आ गई उसकी, वो सनी लियोनी चाप याद है। वही क्यों याद आई, वही क्यों याद आई, मतलब तो अरे गंदी सोच है तेरी भाई, क्योंकि टेस्टी थी। बहुत जी वाला लौंडा भी आ गया भाई, तो भाई फिश जल गई, फिश जल गई, मतलब फेक फिश जल गई, है वेजी। और ये अमूल बटर भी डाल दिया, अरे बटर तो बड़ा यूज़ होता होगा यार इनका एक दिन में, याद है ना एक बार देखा था। क्या बात है, क्रीम भी अमूल बटर। हाँ भाई दिलसफूदी, क्या बात है, सब्सक्राइबर मिल गया हमें कुछ। तो चलो टेस्ट करें एक साथ, फिर बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। चलिए भाई साहब, टेस्टिंग की बारी आ गई। आप देखो सामान आ चुका है हमारा, रेशमी चिकन और ये है फिश करी। ओए ओए भाई, खुशबू नॉनवेज की है पूरी, टेस्ट भी नॉनवेज जैसा आता है, पर है ये प्योर वेजिटेरियन ही। अगर आप वेजिटेरियन के दीवाने हो, स्विगी जोमेटो दोनों पे अवेलेबल है, कभी भी ऑर्डर करो। मज़ेदार नान आ गए हैं, लेट्स ट्राई दिस। ओ भाई ये कौन आ गया, और ये हमारे जिम वाले लौंडे भैया भी आ गए हैं। तू कहाँ से आ गया भाई, बाहर से निकल रहा था तुम्हें देख कर आया हूँ अंदर। अरे अगले अगले भाई, भाई वेज है ना, वेज है ओए होए भाई, लुक एट दिस, मेरे को लगता है हम सुन सुन के आए हैं। तो सुन सुन के खाना सुन के आए अरे ये क्या कह रहा, कुछ बोला था इसके बाद कहाँ पे जा रहे हो भाई? इसके बाद अभी बहुत सारे आउटलेट है, और मोहल्ला आपका बन रहा है। मैं
रेशमी चिकन और फिश करी भाई, मज़े आ रहा है। रेट बताओगे भाई एक बार, रेट रेट क्या इसका? इसका है हाफ का 220, फुल का 280, और इसका है हाफ का 160, फुल का 220। मतलब नाम नाम डिश का नाम, फिश करी का 220 और 280, और इसका है 160 और 220। भाई ये मज़ेदार है, तो नहीं सही अपनी जगह, बट आज टेस्ट में मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। आप कभी भी यहाँ से निकले वीर जी मलाई चाप, सबको पता तो भैया 50 से ज़्यादा ब्रांचेज खुल चुकी है, दिल्ली से बाहर भी ब्रांचेज खुल गई है, और भैया कह रहे हैं कि भाई मुंबई में भी खुलने वाली है। कभी भी आए ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें, और मेरी फेवरेट, इसकी फेवरेट मनवीर की फेवरेट सनी लियोनी ज़रूर ट्राई करना। चलिए आप अपने नेक्स्ट स्टॉप पर चलते। तो चलिए जनाब अब चलते हैं अपने नेक कुमार पाव भाजी वाले पे, और यहाँ की फेमस पाव भाजी ट्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं और कितने रुपए की है। चलिए कुमार पाव भाजी वाला, और भाई कितने साल पुराने शॉप है? 12 साल। क्या बात है, और ये लग रहा है हमारा, हमने एक प्लेट पाव भाजी ऑर्डर कर दी है जिसकी कीमत है 80 रुपये। मक्खन डाल गए, और मक्खन कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो रैपर दिख रहा है। तो ये मसाला लगता है ये पाव में? क्या बात है, तो ये स्पाइसी मसाला होगा जो कि इस पाव में लगेगा, ताकि जो फ्लेवर है वो फ्लेवर पूरा रहे जब भी आप एक एक बाइट पाव भाजी की खाओ। अपने पाव गर्म हो रहे हैं, बटर लगा के इसके साथ इसको सेका जाएगा। ये देख भाई अमूल बटर, अरे हाय पार्टी यार, तो फिर अमूल की अमूल अमूल है भाई अमूल। पाव पाव लगाना भैया, अब ये थोड़ा मसाला गर्म हो रहा है ताकि बढ़िया से गर्म हो जाए मक्खन के अंदर। और अब ये देख रहे हो बाकी जो पाव लगे हैं वो सब सेके हुए हैं इस मसाले के अंदर, और दूसरी तरफ दिखाते हैं मनवीर भाजी गर्म हो रही है। ये देखो भाई ये है भाजी जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर है नहीं, तो आपको दिखाएंगे आज कृष्णा नगर के जायके, ईस्ट दिल्ली के जायके हमारे मोहल्ला आपका सीरीज पार्ट वन में। तो चलिए करते टेस्ट, बताते हैं आपको कैसा इसका टेस्ट। तो ये देखिए जनाब पाव भाजी हमारी आ चुकी है, ये इनकी स्पाइसी चटनी है, प्याज दिए हुए हैं और नींबू है, और ये मसालेदार पाव, पाव के अंदर भी मसाला है ताकि जो फ्लेवर है वो ऐसे का ऐसे ही रहे। तो लेट्स टेस्ट दिस, पहली बाइट कुमार पाव भाजी कृष्णा नगर। ये जो एरिया है ना यहाँ पर इतने फूड आउटलेट्स हैं, इसीलिए हम इसकी दो वीडियो बना रहे हैं, आई मीन दो वीडियो बनेंगे इस सीरीज़ के अंदर, पार्ट वन पार्ट टू। भाई साहब मज़ा आ गया, टेस्ट वाकई बढ़िया है। कीमत इसकी 80 रुपये जैसे मैंने आपको दिखाया, मज़ेदार फूड है। अगर आप कृष्ण नगर के आसपास रहते हो तो कुमार पाव भाजी इज़ द मस्ट विजिट प्लेस, कभी भी यहाँ पर आए तो ये ज़रूर टेस्ट करना। थैंक यू सो मच। तो भाई ये देखो आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉप समोसा हब, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी लगी है, वो देख सकते हो बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली सबको समोसे चाहिए। कोई पनीर का लेने आया, कोई आलू का, कोई मिक्स वेज, कोई तंदूरी चाप, कोई अफगानी चाप, वैरायटी बहुत है, वैरायटी कमी नहीं है। मैंने भी ले लिया है अपना मलाई पनीर का, तो करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको कैसा है इसका टेस्ट। आइए ये देखिए भाई ये आ गया हमारा मलाई पनीर। ओए लुक एट दिस, पहले मनवीर फोटो लेता है और करते हैं टेस्ट। तो ये देखो भाई टूट गया है हमारा समोसा, मलाई पनीर है, पूरी मलाई भरी पड़ी है, पनीर के चंक्स देखो कितने ज़्यादा है। करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको कैसा है इसका टेस्ट। थोड़ा मीठा है, मलाई की वजह से ना मीठा हो गया बड़ा, वो फीलिंग है इसकी। क्या बात है, ओवरफ्लो पर मज़ा नहीं आया, नहीं बहुत मीठा
जिसको मीठा पसंद उसने देखा। दुकान बहुत फेमस है, आप कभी भी यहाँ पर आए मलाई पनीर अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको मीठा ना पसंद तो चोट ट्राई कर लेना। भाई बारिश हो गई है और चाट अगर नहीं खाई तो फिर क्या फ़ायदा। आज हम आए हैं कहाँ पे, राजा चाट कॉर्नर पे। कितने साल पुराने शॉप है अंकल? 15 साल हो गए। टाइमिंग क्या है शॉप के, टाइमिंग क्या है? दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 11 बजे। और स्विगी जोमेटो दोनों? मिनिमम ऑर्डर कितना है? कुछ नहीं है। क्या बात है। तो अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो और कुछ खाने के शौकीन हो चटपटा, दिस इज़ द राइट प्लेस, जहाँ पर आप आके क्रेविंग को मिटा सकते हो। बाकी मीठा भी खाऊंगा मैं। भैया एक मेरे को बोल बना दो रबड़ी फलूदा, फिर मैं रबड़ी फलूदा खाऊंगा, मम्मी टिक्की खाएगा और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो ये देखो भैया, राजा चाट पे आ चुके हैं। इस एरिए में चाट वाले की अगर बात की जाए तो राजा चाट का नाम बड़ा मशहूर है। और ये भाई सब हमारे को खिलाएंगे आज। एक टिक्की ली है हमने, सिंगल टिक्की, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ खाना है। तो ये देखिए पूरा इसको अच्छे से ना, मतलब कि दबा के टिक्की को फ्राई किया जा रहा है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और ये देखो आप, थोड़ा भीड़ देखो लगी पड़ी है, सब गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। गोलगप्पे 20 रुपये प्लेट है। ये मेन्यू दिखा दे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है टोटल। आप देख सकते हो रेट बहुत बढ़िया है। मैं एक प्लेट आलू की चाट खा चुका हूँ, सॉरी दिखा नहीं सकता क्योंकि मनमीत की वेटिंग कर रहा था हर बार की तरह। और ये मनमीत अब खा के बताएगा आपको कि टिक्की का टेस्ट कैसा है, मनमीत टेस्टिंग करेगा। तो ये रहे जी मनमीत सर, बहुत दिनों बाद आ रहे हो वीडियो में, देख लो यार फीलिंग। ये ऊपर छोले डाले इन्होंने, जैसे चटनी छोले, मटर है, मटर मटर भाई, वही कुलचे वाले मटर जो होते हैं। चलो मैं टेस्ट करता हूँ यार। सर टेस्ट कैसा है? खा के तो खाने दो, सिर्फ मटर मटर खाए हैं। बहुत अच्छा, एकदम क्रिस्पी। सारे मिलके खा लो। गरम फूड वैसे बहुत कम खाने को मिलता हमें। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। तो कभी भी यहाँ पर आए तो इसे राजा चाट को ज़रूर ट्राई करें। बाकी टाइमिंग वगैरह आपको सब दिख जाएगा। तो ये देखिए जनाब, हमारा रबड़ी फलूदा लग रहा है। ये कुल्फी निकाल ली भाई ने दूसरे हाथ से। 70 रुपये का है इसकी कॉस्ट रबड़ी फलूदा की। क्या क्या डलेगा मैं देखने के लिए उसी के लिए बेताब हूँ इस टाइम। ठीक है, चाशनी मुझे अमृतसर का वो आ गया है याद है, A1 कुल्फा। ये डाला है इन्होंने मीठा अतर, गुलाब जल, और डल रही है रबड़ी, क्योंकि तो इसका नाम है रबड़ी फलूदा, कुल्फी रबड़ी फलूदा। बहुत खूब, आप डलेगी इसके अंदर कुल्फी। ये देखिए भाई, मिक्स करके अब डालेंगे कुल्फी। एकदम बढ़िया सी ताज़ा कुल्फी निकाली है भैया। सबसे ज़्यादा यही बिकता है या आपकी दूध की बोतल? बहुत बढ़िया, बारिश के मौसम में वो भी ठंडा, मज़ा आ जाएगा। गर्मी ईस्ट दिल्ली में आ गए ना, आप निराश नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको चाट खानी है चाट मिल जाएगी, पाव भाजी खानी है पाव भाजी मिल जाएगा, सोया चाप के इतने आउटलेट है, भरा पड़ा है। नॉनवेज बोलोगे तो नॉनवेज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने पहली बार किसी को ऐसे सर्व करके देते हुए मैंने पहली बार देखा, जब जो हमने वहाँ खाई थी मनमीत आमर कॉलोनी में, वो अलग ही तरीके से बनाई थी, ये एकदम अलग तरीके से बनाई है। हो गई रेडी? बस फ़र्क सिर्फ इतना है इन्होंने रूह अफ़ज़ा नहीं डाला। डाला है भाई साहब, मतलब यार तुम हमारे से छुपा रहे थे यार रूह अफ़ज़ा। तो बाहर रखोगे तो पता चलेगा ना, ऊपर से गार्निश कर दो बस बस। अरे अब वाला पूरा पैसा वसूल, 70 रुपये। शुक्रिया जनाब। ये देखिए जनाब, रबड़ी फलूदा भाई, गिलास भरा हुआ है नो डाउट। ब्रेन फ्रीजर,
भाई वाकई मज़ा आ गया, गर्मी में ना मज़ा आ रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जनाब, ये आ गया हमारा नेक्स्ट आइटम जिसका नाम है पनीर चीरा। यहाँ पर आपको मुल्तानी मोठ कचौड़ी भी मिलेगी और ये शॉप का नाम ही मुल्तानी मोठ कचौड़ी है और रामलीला ग्राउंड के जस्ट सामने ही आपको ये दिख जाएगी। इसके इसकी बैक साइड भी, बैक नहीं है ये फ्रंट ही है सर, जहाँ पर वीर जी मलाई चाप वाले है ना उसके सामने है ये। आप देख सकते हो वेराइटी है चीले के अंदर, आलू चीला भी है, पनीर चीला भी है, दाल मोठ कचौड़ी भी है। देखने में दुकान पुरानी लग रही है बड़ी। अंकल जी भी मतलब काफ़ी बुजुर्ग है। अंकल कितने साल पुरानी शॉप है भैया? कितने साल पुरानी शॉप है? यहाँ पे 3 साल हो गए, इससे पहले रोड पे थी, वहाँ चल। अच्छा क्या बात है, एक बना दो हमारे को जल्दी से। तो ये देखो जी पनीर चीला हमारा लग रहा है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। भाई बारिश हो रही है एकदम बढ़िया से और बारिश में खाने में मज़ा ही अलग है। बाकी सब लोग भी खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। देखा थे जरा मम्मी भाई, बहुत बढ़िया। टमाटर प्याज डाल दिया अभी और ये हो गया जी पनीर ग्रेट। क्या बात है भाई, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। अब करते हैं टेस्टिंग, बताते हैं आपको कैसा इसका टेस्ट। तो ये देखिए जनाब आ चुका है हमारा ब्रेड वाला पनीर चीला। ये मीठी चटनी और हरी चटनी डाल दी है। नाउ लुक एट दिस, फीलिंग कितनी अच्छी है, गर्मा गर्म एकदम पाइपिंग हॉट भाई, मज़ेदार। खाया नहीं जाएगा, मेरा पेट फुल हो चुका है यार, इतना सारा खाना खा लिया। और ये हमारा लास्ट आज, इसके बाद ये हमारा लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। और बाकी आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे यहाँ का जब पार्ट 2 बनेगा। तो फर्स्ट लेट मी ट्राई दिस, टेस्ट करते हैं। मसाले बहुत बढ़िया है, एकदम चटपटा है। बारिश के मौसम में वैसे मज़ा आ रहा है। चाय मिलता है भाई, टेस्ट बहुत बढ़िया है। आप कभी भी यहाँ पर आए तो ज़रूर बता देना। रेट सब ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। वाह वाह, रामलीला ग्राउंड याद रखना, वीर जी मलाई चाय वाले के जस्ट सामने। हाँ थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी शूट करेंगे। थैंक यू।